ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आप नेता अशोक तंवर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी, अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टीएमसी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा? देखिए देश की लड़ाई में एक इंटरेस्ट है और लेडी है, वो भी ग्रास रूट से जुड़ी हुई है, लेकिन पिछले 5 महीने अगर उठाकर तो क्या लाइव एक्टिविटी करने के, लेकिन जिस तरीके की जरूरत है ऐसा में भी वहां से समय का नहीं लगा मामला, और ऐसे में लगातार देश के अंदर वो ताकतें हैं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो जातिवाद की राजनीति करती हैं, जिन्होंने देश को लूटने बांटने और खत्म करने का काम किया, वो लगातार हावी हो रही है। 4 जगह फिर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, 1 जगह आम आदमी पार्टी जीत करके आई, और अगर उनको कोई रोकने में सक्षम है, और खासतौर से मैं उत्तरी भारत की अगर बात करूं तो मैं समझता हूं कि ये अब स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी यही एक नया मॉडल पेश करके देश के गवर्नमेंट का, देश के डेवलपमेंट का, एक भाईचारे का, उसके माध्यम से इस देश को महाशक्ति बना सकते हैं, और यही सोच करके हमारे सभी साथियों ने फैसला लिया कि हम आम आदमी के साथ चलेंगे। और हम तो आम आदमी हैं, हमने तो साइकिल चलाई हरियाणा के अंदर, हजारों किलोमीटर पैदल चले, कई हजार किलोमीटर सड़कों पर संघर्ष किया, 6 साल में विधानसभा के जितने घेरा हुए अशोक तंवर के अलावा तो किसी ने किए नहीं, बाकी तो साठगांठ की राजनीति करने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं वो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में झाड़ू की आवश्यकता ही, हरियाणा के अंदर जो गंदगी होगी है उसके लिए लाखों लोगों को झाड़ू उठानी पड़ेगी। जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आई, लेकिन वही बीजेपी और कांग्रेस का ये भी कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो जब तक उनको साफ नहीं कर देंगे वो यूं ही बोलते रहेंगे। जब तक बीजेपी कांग्रेस और तमाम ये जो दल है, जब तक इनकी सफाई जैसे पंजाब में अभी हुई है, दिल्ली में हुई थी, जब तक इनकी नहीं होगी तब तक ये कई ऐसे कहते रहेंगे, लेकिन उनको अंदर से एहसास है, उनको भय बैठ गया है, बेचैनी है, उनके जो है लगातार चेहरे पर शिकन आप देख सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि हरियाणा ने आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व पर स्वीकार कर लिया है, और साफ स्वच्छ छवि के ईमानदार लोगों की जरूरत थी जो पूरे प्रदेश को समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगातार जो उस बैकग्राउंड के लोग हैं वो जब मजबूती से आएंगे तो और ज्यादा ताकत और एक तरफा जो है वो आम आदमी हरियाणा के अंदर माहौल के साथ आगे बढ़ेगी। जी सर, अब जल्द ही जो है प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले, तो क्या इस बार निकाय चुनाव में झाड़ू सभी पार्टियों को साफ कर पाएगी? निकाय चुनाव में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी, और जो लोग आज देखिए भ्रष्टाचार हर जगह है, आज रेते के ऊपर जो है तारकोल बिछा दिया जाता है, ना बीच में कोई लेयर है, ना रोड़ी है, ना कुछ और बजरी है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार की जो प्रकाशाएं हैं, जो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भेजते हैं, वो उनके भी बाप भ्रष्टाचारी भेज देते हैं। तो ऐसे में कहां प्रदेश में कोई हालात ही नहीं है, प्रदेश जो है लगातार पीछे पिछड़ता जा रहा है, नौकरियों में धांधलियां यहाँ पर है, कानून व्यवस्था यहाँ पर कितनी खराब है देख रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, दलितों के ऊपर अत्याचार है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस भारतीय जनता पार्टी से खुश हो। ये तो पिछली बार भी कांग्रेस ने मिलजुल करके भाजपा के साथ टिकट बांटी थी जिसकी वजह से उनकी सरकार बन गई थी। अब आने वाला समय मुझे लगता है कि पंचायतों से शुरू करेंगे, नगर पालिका नगर परिषद नीचे के लोकल बॉडीज चुनाव से हम शुरुआत करेंगे, पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी, और बहुत बड़ी सफलता, आज परिवर्तन का माहौल है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये भगत सिंह और अंबेडकर जी की सोच के ऊपर चलने वाली पार्टी है, और देश का लोकतंत्र संविधान बचाते हुए गरीब किसान मजदूर की लड़ाई, छोटे दुकानदार कर्मचारी की लड़ाई हम लड़ेंगे, और बड़ी सफलता हमें मिलेगी। ये एक अंडर करंट है, मेरे पास रोज हजारों फोन आ रहे हैं, तो ऐसा ही मैं समझता हूँ कि सारे नेताओं के पास जा रहे हैं, हमारे प्रभारी बैठे हैं साथ में यहाँ पर, महेंद्र चौधरी जी सभी और साथी हैं, प्रधान है, आज जींद के अंदर कई हजार लोगों ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है।
तो साफ संकेत है कि आने वाला समय देश में एक वैकल्पिक राजनीति का होगा और उसमें जो है बाकी लोग हाशिए पे होंगे और आम आदमी पार्टी मेन स्ट्रीम में झाड़ू के साथ आगे। जी सर, पंजाब के बाद अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी पकड़ बनाने में लगी हुई, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी पार्टी की? आगे रणनीति यही है कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे और जनता के मुद्दों के ऊपर संघर्ष करेंगे। पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की फौज आज बहुत बड़ी संख्या में नौजवान जुड़े हैं, हमारी मातृशक्ति जुड़ी है, सारे अलग अलग वकील डॉक्टर प्रोफेशनल लोग वो इससे जुड़ करके अपना भविष्य देखते हैं, जो स्कूल चलाते हैं आज शिक्षाविदों ने हमारे साथ जो IAS IPS से लेकर के कौन सा ऐसा वर्ग है जो इसके साथ नहीं आना चाहता। और आज हमने कहा है कि भाई ये जो कई कई पेंशन लेते हैं, अब हरियाणा के अंदर देख लो दो दो ढाई ढाई लाख पेंशन मिलती है एक एक उसको जो पूर्व विधायक है, पूर्व दूसरे पदों पे रहे हैं। आज हमारे पार्टी के नेता हमारे साथी निर्मल सिंह ने फैसला किया कि मैं तीन पेंशन छोड़कर के केवल एक ही हूँगा, जो पंजाब में फैसला किया, और ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि जो हमारा मॉडल अच्छी शिक्षा का मॉडल, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाओं का मॉडल, अच्छे रोजगार देने का मॉडल, सच्चाई ईमानदारी की राजनीति करने का मॉडल, और सरकारी जो संपत्ति है सरकारी धन है उसका उचित उपयोग, ये सारे हैं। आज हमने मांग करी है कि भाई पंजाब की तर्ज के ऊपर हरियाणा के अंदर भी ये एक फैसला होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा पंजाब पुराना एक ही राज्य था, जब वहां हो सकता तो यहाँ भी हो सकता है, तो सभी साथियों को मिलकर के फैसला सरकार ने वैसे करना है, लेकिन मैं सभी से अपील करूंगा कि वो अपने एक ऑप्शनल तौर पे सारी एक एक माह की जो है अपनी पेंशन को छोड़ करके एक बार की बाकी सबका त्याग करें, और मैं एक ही पेंशन लेता हूँ, सांसद के नाते 20,000 रुपए मिलते हैं, और वो भी हमारी आम आदमी पार्टी का अगर निर्देश होगा आदेश होगा तो हम वो भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। सर, जब पंजाब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भगवंत मान को पहले ही सीएम फेस घोषित कर दिया गया था, तो क्या हरियाणा में आने वाले वक्त में आप खुद को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, भगवंत जी को भी लास्ट में जाकर के अनाउंस किया था, यहाँ जो मेहनत करेगा, जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ेगा, वो तो कोई भी व्यक्ति। तो आप अपने आप को इस रेस में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सीएम की रेस में? जी, आप आने वाले वक्त में अपने आप को इस रेस में मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं तो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जो झाड़ू ऐसी चलाएंगे हमें तो पहले तो पापियों का सफाया करना है, अन्याय अत्याचार करने वालों का सफाया करना है, उसके बाद कौन क्या पार्टी का फैसला होगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है, और कहने से कोई ना विधायक बनता ना मुख्यमंत्री बनता ना सांसद बनता, ये तो दिलों के ऊपर, जो दिलों के ऊपर राज करेगा वही आने वाले समय में अलग अलग कैपेसिटी में नेतृत्व करेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालकर अपनी तमाम मुद्दों पर सुझाव देने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।